तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरु जी के ऊपर। सो काफी सारे लोगों की ना डिमांड्स आ रही थी, हमारे को फोन आ रहे थे कि सर आपका इंडिपेंडेंट में और कुछ हमारे को लेके आइए। तो आज मैं आपके लिए बजट में एक इंडिपेंडेंट कोठी लेके आया हूँ जो कि अप्रॉक्सिमेटली आपकी 4 मरले की रहने वाली है, 98 गज में आपकी कोठी रहेगी। सो बहुत ही बढ़िया इसका प्लॉट साइज रहेगा आपका। अगर मैं बात करूँ इसका 22x40 का प्लॉट साइज रहने वाला है, अच्छा आपको फ्रंट मिल रहा है और कोठी भी आपको बहुत ही शानदार मिलेगी और आपके बजट में ये कोठी रहेगी। सो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन आपकी जो ये काफ़ी प्राइम रहने वाली है जी, ये आपका सेक्टर 127 ग्रेटर मोहाली के एरिया पड़ता है जी, मॉडर्न टाउन सी ब्लॉक में आपकी ये कोठी रहेगी। और इसकी अगर मैं एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की बात करूँ, आपका हार्डली 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा इसका, और इसका करल अंडर हाईवे बिल्कुल पास में रहेगा। अगर दिल्ली को जाना आपने तो यहाँ से आप करल अंडर हाईवे यूज़ कर सकते हैं, आपने हिमाचल को जाना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपनी कोठी की तरफ। सो हम एंटर कर चुके हैं जी अपने घर में। अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे लिविंग रूम पहले दिख रहा होगा जी, तो जिसका साइज आपका 10x10 का रहने वाला है जी आपका साइज। अगर मैं इसकी बात करूँ ये यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार विंडो मिल जाती है सबसे पहले तो आपके लिविंग रूम में, जिससे आपके घर में जो है रोशनी वगैरह प्रॉपर आती रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एसी की जो है डक्टिंग वगैरह सारी मिल जाएगी। ऊपर आप डाउन सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है यूनिक आपको यहाँ पे डाउन सीलिंग देखने को मिलेगी। सो आप इस दीवार को अपना हाईलाइट अगर आप अपीयरेंस अच्छी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो है हाईलाइटर भी आप लगा सकते हैं, जिससे आपके लिविंग रूम की काफ़ी अच्छी अपीयरेंस आ जाएगी। सो यहाँ पे हमारे को जो है कैबिनेट्स मिल जाते हैं वुडन के, काफ़ी अच्छे आप अपने यहाँ पे सामान को कैरी कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जो है आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। सो ये है गाइस हमारा लिविंग रूम जहाँ पे आप अपना सोफा और डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। अब मैं आ चुका हूँ अपने किचन में। किचन की अगर मैं बात करूँ आपको एलशेप में किचन रहेगा, बहुत ही बढ़िया अच्छा जो है आपका कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है आपका क्रीम और वाइट कलर में, आपको अच्छी स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड की गई है अपने यूटेंसिल्स को कैरी करने के लिए। बहुत ही बढ़िया जो है आपको अच्छी स्पेस मिलेगी यहाँ पे। ये आपके दो सिंक यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आपकी यहाँ पे शरह की फिटिंग्स आ जाएगी और यहाँ पे आपकी प्रॉपर विंडो आ जाएगी। आप घर के बाहर देख सकते हैं कि आपके घर पे कौन आ रहा है, ऊपर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपको किचन में भी जो है फॉल सीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, एज इट इज आपको फॉल सीलिंग यहाँ पे मिलेगी। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूँ इसका साइज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 10x12 का यहाँ पे रूम साइज रहने वाला है जी। एंटर करते सारे हमारे को बहुत ही शानदार भी इसके साथ जो है यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाएंगे आपके, बहुत ही बढ़िया स्पेस जो है स्मूथ आपके ओपन हो रही है ये वार्डरोब्स, यहाँ पे भी आपको जो है प्रॉपर स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आपका साइज बेड लग जाएगा, किंग साइज बेड यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे आपका एक हाईलाइटर लग के और अपीयरेंस अच्छी आ जाएगी। फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपको फॉल सीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है।
लाइटिंग की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अटैच वॉशरूम रहेगा जिसकी आपकी जो है 6 फीट का रहेगा। माफी चाहूंगा यहाँ पे अभी काम थोड़ा सा पेंडिंग है जिसके कारण आपको सामान नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाएगी अपने बेडरूम में। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी, एलईडी पैनल भी आपको जो है बहुत ही बढ़िया साइज का यहाँ पे मिल रहा है जी, अच्छे साइज की यहाँ पे आपकी एलईडी लग जाएगी। तो ये था हमारा का फर्स्ट बेडरूम, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। एंटर कर चुके हैं हम अपने सेकंड बेडरूम में। यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे कि सबसे पहले तो इसका साइज वही रहेगा 10x12 का आपका। यहाँ पे आपको फॉल सीलिंग में चेंजेस नजर आएंगे और आपके जो है वार्डरोब्स का सनमाइका भी यूज किया हो गया है। यहाँ पे आपको सनमाइका काफी अच्छे जो है मॉडर्न टेक्सचर का यूज किया गया है और बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे भी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया अच्छा सा वॉलपेपर आप लगा के और ये भी अच्छा कर सकते हैं। फॉल सीलिंग में आपको यहाँ पे चेंज मिलेगा, बहुत ही बढ़िया जो है आपको सिंगल सोकर सी फॉल सीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एलईडी पैनल आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छे साइज का आपको दिया जा रहा है। ये हमारा अटैच वॉशरूम आएगा, काफी स्पेशियस वॉशरूम आपका रहेगा जी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो है वॉशिंग एरिया के लिए आपको एंट्रेंस रहेगी जो आपका स्पेशियस वॉशरूम यहाँ पे आपको दिया जाएगा और प्रॉपर वेंटिलेशन आपकी रहेगी। सो ये था हमारा नीचे का सेक्शन जो आपका ग्राउंड फ्लोर था। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा वन रूम सेट रहेगा विद अटैच वॉशरूम एंड किचन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको ग्रेनाइट यूज किया गया है, बहुत ही बढ़िया जो है आपको ब्लैक एंड रेडिश में जो है ग्रेनाइट यूज किया गया है। स्टील की आपको रेलिंग प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा आपको बालकनी को जाने के लिए, यहाँ से आपका जो है स्पेस रहेगा, पूरा बसा हुआ इलाका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यहाँ पे ऊपर। सो मैं पहुँच चुका हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे आपका जो है एक आपको बहुत ही शानदार बेडरूम देखने यहाँ पे वहाँ मिल जाएगा। 10x12 का साइज रहने वाले यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार बेडरूम जो है प्रोवाइड की गई है। इसकी बेडरूम मिल जाएगी साथ में पेंट्री एरिया रहेगा, हमारे पीछे बालकोनी आ जाती है बहुत ही स्पेशियस। कल को आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहो तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इजिली आपके 2 बेडरूम्स मिल जाएंगे। वॉशरूम आपको ऑलरेडी पीछे यहाँ पे दिया गया है, अच्छे साइज का आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाएगा। सो आपकी प्रॉपर स्पेस यूटिलाइज हो जाती है, आप इसको 3 मंजिल बनाना चाहो तो बना सकते हैं। ये आपके ऊपर टेरेस को जो है प्रॉपर सीढ़ियाँ चल जाएंगी। तो ये था गाइस हमारा आज का इंडिपेंडेंट हाउस जो कि बजट हाउस हमारा था ये। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, ये आपको जो है 46 लाख रुपीज़ में ये घर आपका हो सकता है। सो जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये घर अच्छा लगता है तो फ़ोन नंबर जो फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, इस करके विजिट प्लान कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको जो है इंडिपेंडेंट बजट हाउस लेके आ सके। टिल देन टेक केयर।